हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल होम स्टडी आईक्यू पे। आज मैं बात करने वाला हूँ 19 नवंबर के जीके और करंट अफेयर्स के बारे में, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम पे आने के चांसेस है और बहुत जरूरी भी है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए पिस्टले, ऑप्शन बी लेवोसिए, ऑप्शन सी डाल्टन और ऑप्शन डी मेंडेलीव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लेवोसिए। लेवोसिए को मॉडर्न रसायन का जनक कहा जाता है। इसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है, मिच्छकटिका वॉज रिटन बाई हु। मिच्छकटिका किसके द्वारा लिखा गया है, मिच्छकटिका किसके द्वारा लिखा गया है। इसका ऑप्शन है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी शूद्र का, ऑप्शन सी कालाहन, ऑप्शन डी बनभट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शूद्र का, शूद्र का के द्वारा मिच्छकटिका लिखा गया है। इसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विच स्टेट हैज़ बीन ओपन डिजिटल म्यूजियम एट महाराज बाड़ा। यहाँ पे बाबा नहीं होगा, यहाँ पे बाड़ा होगा, बाड़ा इन ग्वालियर। मतलब कौन से स्टेट स्टेट में ग्वालियर ग्वालियर में स्टेट के ग्वालियर में महाराज बाड़ा में एक डिजिटल संग्रहालय खोला गया है। इसका इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन है देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब एंड ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, सॉरी ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। व्हिच हैज बीन ब्रॉट अंडर द सॉरी मोरेटोरियम इफेक्टिव। व्हिच बैंक होगा यहाँ पर, व्हिच बैंक हैज बीन ब्रॉट अंडर मोरेटोरियम इफेक्टिव 17 नवंबर अंटिल 16 दिसंबर। यहाँ पे बैंक होगा विच बैंक होगा, बैंक होगा तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका इसका मतलब है कौन से बैंक ने 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक अधिस्थगन के तहत लाया गया है। इसका ऑप्शन है लक्ष्मी विलास बैंक, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी है बंधन बैंक एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मी विलास बैंक। इसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। व्हिच कंपनी हैज डिलीवर हिज डिलीवर फास्ट हार्डवेयर फॉर गगनयान लॉन्च व्हीकल टू इसरो। इसका मतलब है कौन से कंपनी ने पहली बार इसरो को गगनयान लॉन्च व्हीकल के लिए हार्डवेयर प्रदान कर रहा है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है लॉकहीड मार्टिन एलएनटी एंड स्पेस सिस्टम एंड रेथन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एलएनटी ने गगनयान लॉन्च व्हीकल के लिए इसरो को हार्डवेयर प्रदान किया है। रिसेंटली हु हैज अनाउंस, नेक्स्ट सवाल है रिसेंटली हु हैज अनाउंस रिटायरमेंट फॉर ऑल फॉर्मेट ऑफ गेम प्लेड 4 ODI एंड 1 T20 इंटरनेशनल। हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है, जिसने 4 ODI एंड 1 T20 इंटरनेशनल खेला था। इसका ऑप्शन देख लेते हैं संदीप तेगी, ऑप्शन बी संदीप शर्मा, ऑप्शन सी गुरप्रीत सिंह एंड ऑप्शन डी मनोज तिवारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संदीप तेगी। इसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। वेयर वॉज फाउंड वर्ल्ड ओनली नोन वाइट जिराफ विथ GPS ट्रैकिंग डिवाइस। इसका मतलब है कहाँ पे GPS ट्रैकिंग ने विश्व का सफ़ेद जिराफ को खोजा है। GPS ट्रैकिंग के द्वारा
सफेद जिराफ को खोजा है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट केनिया, ऑप्शन ए नॉर्थ वेस्ट केनिया, ऑप्शन बी है नॉर्थ ईस्ट केनिया, ऑप्शन सी है नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट केनिया, ऑप्शन डी है साउथ वेस्ट केनिया। इसका सही आंसर है नॉर्थ ईस्ट केनिया। इसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विच टू कंट्रीज एग्री टू ब्रेक थ्रू डिफेंस पैक्ट फैसिलिटिंग रेसिप्रोकल विजिट फॉर ट्रेनिंग एंड ऑपरेटिंग ऑपरेशन ट्रेनिंग एंड ऑपरेशन। इसका मतलब है कौन से दोनों कंट्री ने रक्षा समझौता पर सहमत हुए हैं, रक्षा समझौता पर सहमत हुए हैं जिससे प्रशिक्षित और संचालक के लिए पारस्परिक यात्राओं की सुविधा शामिल है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडिया और जापान, इंडिया ऑप्शन बी है जापान और चाइना, ऑप्शन सी है जापान और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है रशिया एंड जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ए 215 मीटर आइडल लॉर्ड हनुमान विल बी इंस्टॉल इन व्हिच स्टेट। इसका मतलब है एक 215 मीटर लंबा भगवान हनुमान जी का मूर्ति बनेगा कौन से स्टेट में? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटका स्टेट में 215 मीटर लंबा भगवान जी का मूर्ति बनाया जाएगा। इसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। रिसेंटली विच IIT रिसर्चर डेवलप इको फ्रेंडली फूड पैकेजिंग विथ क्यूकम्बर पिल्स। इसका मतलब है हाल ही में कौन से IIT रिसर्चर ने खीरे को छिलके पर्यावरण के अनुकूल सिद्ध पैकेजिंग सामग्री विकसित किया है? इसका 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 ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी IIT मद्रास एंड ऑप्शन डी IIT कानपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने ये पैकेजिंग सामग्री तैयार किया है। इसके बाद चले जाते हैं। रिसेंटली तुलसी राम हैज पास्ट अवे, ही वॉज लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। रिसेंटली हाल ही में तुलसी राम जी का निधन हो गया है, वो कौन से पार्टी के लीडर थे, कौन से पार्टी के लीडर थे? इसका ऑप्शन है BJP भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, JDU पार्टी के लीडर थे, TMC पार्टी के लीडर थे और कांग्रेस के लीडर थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए BJP पार्टी के लीडर थे, BJP भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे तुलसी राम। इसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस विल गिव US$791 million इन ग्रांट एज पार्ट हिज बेजोस अर्थ फंड टू हाउ मैनी ऑर्गेनाइजेशन दे विल वर्किंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। इसका मतलब है अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस अपने बेजोस अर्थ फंड के हिस्से के रूप में पर्यावरण के रक्षा के लिए काम कर रहे कितने संगठनों को 791 मिलियन US डॉलर का अनुदान देगा? इसका कितने कितने संगठनों को देगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 16, 16 संगठनों को 791 मिलियन USD अनुदान देगा। इसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विच गवर्नमेंट विल सेट अप ए स्टार्टअप हब विथ फैसिलिटीज बाय मार्च 2021 टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यूथ इन द स्टेट। इसका मतलब है कौन से राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मार्च 2021 तक
सामान्य सुविधाओं के सह एक स्टार्टअप हब स्थापित किया हब स्थापित करेगी। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा ने स्थापित उड़ीसा ने स्टार्टअप शुरू किया है। सो दोस्तों यही था हमारा आखिरी सवाल, इसी से ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।